हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू फार्मा आजम डी आर एक्स दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में या फिर जिसे झाइयाँ भी कहते हैं ये पिगमेंटेशन की परेशानी क्यों होती है किस वजह से होती है इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसमें कौन सी क्रीम यूज़ करें जिससे बहुत जल्दी ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम ठीक हो जाए पिगमेंटेशन ब्राउन या ग्रे कलर की स्किन के ऊपर जो स्पॉट होते हैं उसे कहते हैं ये आपके माथे पर हो सकते हैं नोज़ पर हो सकते हैं गाल पर हो सकते हैं या फिर आपके लिप्स पर हो सकते हैं ये कहीं भी हो सकते हैं फेस पर या फिर बॉडी के किसी अदर पार्ट पर भी हो सकते हैं ये झाइयों की प्रॉब्लम जो है वूमेन में ज़्यादा होती है जिन लोगों की स्किन लाइट होती है उन लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे झाइयाँ होती क्यों हैं और कैसे होती हैं हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अगर हम ये चीज़ जान लेंगे तो हम उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इसमें सबसे पहला रीज़न आता है सूरज की किरणें जब सूरज की किरणें यू रेज हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से एक मिलेिन नाम का पिगमेंट रिलीज होता है जो बॉडी को ब्लैक बनाता है तो इस वजह से भी आपके पिगमेंट हो सकते हैं और उसका सेकेंड रीज़न जो आता है वो आता है हार्मोन की वजह से हार्मोन के चेंजेस की वजह से ये इसलिए होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके हार्मोन का चेंजेस लगातार होते रहते हैं थर्ड रीज़न आता है इसमें थायराइड हार्मोन की परेशानी की वजह से उसमें क्या होता है जो थायराइड से थायरॉक्सिन रिलीज़ होता है वो या तो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है तो उस वजह से भी ये पिगमेंटेशन हो सकती है और कई बार आप अपने फ़ेस पर ऐसे क्रीम यूज़ करते हैं या ऐसे सॉप आते हैं जो आप यूज़ करते हैं जिनमें इस्टोराइडल होता है और इस्टोराडल जितने भी क्रीम होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जितने भी इस्टोराइडल क्रीम होते हैं वो इजीली बहुत जल्दी आपको फ़ायदा तो देते हैं लेकिन क्या होता है अगर आप उसे ज़्यादा लंबे समय तक अपने उसके लिए अपने फेस के लिए या अपनी बॉडी के लिए उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो नुकसान भी देते हैं अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए जैसे अब सूरज निकलता है तो आप 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में ना निकलें 10 बजे से पहले पहले आप निकल सकते हैं और अगर आपको निकलना ही है तो आपको अपने फेस को ढक के निकलना पड़ेगा जिस वजह से क्या होगा आपको सूरज की किरणें आपके फेस पर या आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेंगी और पिगमेंटेशन नहीं होगा और बाकी जितने भी थायरॉइड से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ये तो जो हैं नेचुरल हैं ये इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता इनके लिए अलग से डॉक्टर मेडिसिन देते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप कोई अदर क्रीम यूज़ नहीं कर सकते और जो प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन हो जाती है लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है आफ्टर डिलीवरी के बाद उससे पहले वो ठीक नहीं होती है उसमें आप कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे तब भी आपकी ठीक हो जाएगी डिलीवरी के बाद होगी लेकिन और दूसरा जो है आप जितने भी कॉस्मेटिक हैं जिनमें इस्टोराइड होता है वो आप यूज़ ना करें जितना कम यूज़ करेंगे उतना आपके लिए फ़ेस के लिए आपकी बॉडी के लिए बेटर होगा लेकिन मेरी एडवाइस यही है अगर आपके झाइया हैं तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ क्योंकि डॉक्टर आपको ये चेक करने के बाद ही देगा कि आपको किस वजह से आई है हो सकता है आपको सूरज की वजह से आई हो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी की वजह से आई हो और हो सकता है आपको थायराइड की वजह से आई हो अब बात करते हैं हम इसमें कौन सी क्रीम यूज़ करें जिससे हम झाइयों से छुटकारा पा लें एक क्रीम मैंने पहले भी इसमें आपको बताई थी जो डर्माटच बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं लोगों के आप जाकर देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में जो हम क्रीम के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है मेलालाइट फिफ्टीन के नाम से आपको मिल जाएगी इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन होता है इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं होता है आपको 130 से लेकर 150 के बीच में मिल जाएगा और इस क्रीम को दिन में दो बार लगाना होता है और सिर्फ़ आप वहीं लगा सकते हैं जहां आपके के हैं ये क्रीम चार से आठ हफ्ते लेती है अपना असर दिखाने के लिए इसलिए आपको इसे लगातार लगाते रहना है इसके अलावा जो दूसरी क्रीम होती हैं वो इस्टोराइडल होती हैं और मैं उनके बारे में आपको नहीं बता सकता क्योंकि उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू